है सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में हैरानी बीत जाए दिन हैरानी में बीत जाए दिन पल पल सपने हो सके ना रुठ गए सारे सपने सपने हो सके ना अपने चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ आज ढूंढ लो सुबह चाय बगान में मजदूरी करने आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग स्तर के लोग निरक्षरता और अज्ञानता की वजह से उन्हें अक्सर शिकार होना पड़ता है और उसी के विरुद्ध में अपनी आवाज बुलंद करती है लक्ष्मी जैसी लड़कियां जिनमें अभी भी एक नए और खूबसूरत जीवन के प्रति विश्वास कायम है। लक्ष्मी लक्ष्मी अरे तू यहां बैठी है मैं तुझे रसोई में ढूंढ आया ले पकड़ थैला साला साहब के लिए मांस लाया हूं क्या हुआ बैठी रहेगी जा जल्दी जा और खाना बना मुझे भूख लगी है भैया तू चले गए चले गए मैंने तो कहा खा के जाना क्या करे बोलो बेटी की तबीयत खराब सुनकर ठहरते भला इसीलिए चले गए मुझसे मिले बगैर ही चले गए कितने दिनों के बाद भैया आए थे गांव से बस थोड़े ही दिन इसलिए तू उदास है अरे मेरा भी तो एक गांव था अब वहां कोई नहीं एक दिन बचपन में बिहार से यहां चला गया जानते हो गांव में हमारे बहुत सारे खेत थे बचपन में मैं गेहूं के खेतों में खेला करती थी
यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं है। वहाँ गेहूँ के खेत और यहाँ हरी चाय की बगान। अरे लड़का कहाँ गया? स्कूल गया है। तू उसे बेकार ही लिखना पढ़ना सिखा रही है। उसे क्या पढ़ लिख कर एक दिन बाबू बनना है? वो तो हमारी तरह कुली ही बनेगा। कुली बने या जो भी, मैं उसे अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। तू भी तो साक्षरता केंद्र गई थी, क्या हुआ पढ़ लिख कर? वो तो बंद ही हो गया। बंद तो होना ही था। मदन लाल जो चाहता है वही होगा, उनसे टकराने में फायदा नहीं। उस मदन लाल को देखना, हम ही एक दिन सीधा करेंगे। ए, मदन लाल से टकराना नहीं, वो बहुत खतरनाक है। तुम लोगों की वजह से वो सर पर चढ़ा है। कितनी बार कहा है उससे रुपया उधार मत लो। ए, खबरदार, मुझे क्या करना है क्या नहीं तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। तो औरत है, औरत की तरह है। सच बात कहूँ तो कड़वी लगती है। ये भी बोले देती हूँ, अगर मदन लाल ने कुछ कहा ना तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ लक्ष्मी, आजकल तो हम लोग के पचन में नहीं करती बात कह रहे है। क्यों, तुम कोई राजा महाराजा हो जो तुम्हें जाने? अरे बाप, दो अक्षर लिखना पढ़ना सीख के तू तो एकदम महारानी हो गई है रे। ए मदन बाबू, मुंह संभाल के बात करना। बस बस, तेरे बाप भी हमसे दारू के लिए पैसा लेता था, एहसान किया है भूल गई बेईमान? ए मदन बाबू, फिर से कहती हूँ मुंह संभाल के बात करना। मैंने बापू का पूरा कर्जा चुका दिया है सूद समेत। ए, क्या क्या हो रहा है? क्या कर वो ये जाओ, जाओ काम पे जाओ। और मदन, मैंने तुम्हें अपने बगान में आने से मना किया था ना? हाँ, अगर आइंदा कभी भी अपने बगान में देखा एकदम जेल भेज दूंगा। जाओ, चलो यहां से जाओ। ठीक है, यहां नहीं आऊंगा। अगर कुली लोग से हमरा मिलना तुम बंद नहीं कर सकते, साहब बेटा मेरे पास आएगा पैसा लेने। हाँ, नहीं तो उन लोग का तीज त्योहार कैसे होगा? नाच होगा, गाना होगा और ढुकुर 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 चलेगा। आज सबको हफ्ता मिला है और हमारा पैसा देना भूल गया? पहले आके हमारा सूद का पैसा चुका, उसके बाद जो मन में आए कर। हाँ। अरे मदन भाई, देख नहीं है आज हमारा पर्व चल रहा है, काय अल्लाह मचा रहे? मदन भाई, मदन भाई, छोटू हम तो को खोज रहा था, हमारा सूद का पैसा कहाँ है बोल? कहाँ हमारा पैसा बोल? सब पैसा खर्चा हो गया, अगले हफ्ते दे दूंगा। अगले हफ्ते दे दूंगा, हट बेटा। पैसा लेते समय याद है, अब पैसा देने के लिए भूल गया? यह कौन बेटा है, कौन बेटा है जो हमसे पैसा ले लिया है बोल, बोल कौन है? ए मदन लाल, तुमसे मैंने कभी पैसा नहीं लिया। एकदम बकवास बंद। हा? बेटा देख जमीन पे कौन गिरा है, देख और मरा छोटू राम। ए मगन लाल, उल्टी बात कहकर मुझे मत डराओ, बोल मैंने कब पैसे लिए थे, जवाब दे। तो थोड़ा दिखा पढ़ी सीख के एकदम मेम साहब बन गई है, वो मास्टर नियो भाग गई, स्कूल बंद हो गया।
बुलाया है। क्यों रे, तुमसे किसने कहा? वाह, उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। बुलाते तो चले जाना, हमारे नए मैनेजर साहब बहुत अच्छे हैं। सुना है कोई स्कूल खोलना चाहते। हाँ, मैनेजर साहब के साथ वो टीचर जी भी थी। चल। हाँ मिस्टर जज, कहिए यहन की क्या समस्याएं आपको नजर आई? मैंने तो यहाँ पहले भी काम किया है। यहाँ के लोगों की असली समस्या ये है कि इन्हें नशा कराया जाता है। इस कारण महाजन से पैसा उधार लेना खत्म नहीं होता और हर महीने सूद देते देते सारी कमाई खत्म हो जाती है। आपने ठीक ही कहा। जब मैंने इस बगीचे का चार्ज लिया तो मेरी एक इच्छा थी कि इस बगीचे को मैं एक आदर्श बगीचा बनाऊंगा, यानी यहाँ के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन लगता है कि मेरा वो सपना सपना ही रह गया। नहीं नहीं, आप इतना निराश ना हो। आप जो ये साक्षरता केंद्र खोल रहे हैं, यही तो एक बहुत बड़ा कदम है। बल, मुझे पता नहीं कि आप बाहर से आकर कितने समय तक काम कर पाएंगी। मेरी इच्छा है कि यहीं का कोई यही रहकर इस काम को आगे बढ़ाए। हाँ, इसीलिए मैंने लक्ष्मी को यहाँ बुलाया है। उसमें एक ऐसा गुण है जो, यानी सबको समझाने की उसमें एक बेजोड़ क्षमता है। दीदी, मिस्टर सान्याल, यही है लक्ष्मी। नमस्ते सर। लगता है कहीं देखा है तुम्हें। जी, आज सुबह आपने हमारा झगड़ा मिटाया था। क्यों रे लक्ष्मी, तुझे तो मैं अच्छी लड़की समझती थी, तूने भी झगड़ा शुरू कर दिया। नहीं नहीं दीदी, वो जो मदनलाल महाजन, जानती नहीं, वो आज छेड़छाड़ कर रहा था मुझसे। ओ, मदनलाल अभी ये हरकतें करता है? इसी के बारे में कह रही थी। पगार के दिन फैक्ट्री के गेट पे खड़ा हो जाता है और लोगों को दारू पीने के लिए उकसाता है। हाँ, समझ रहा हूँ। मैंने तो उसे स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो मेरे बगान के करीब भी ना आए। पर साहब, मदनलाल बाग में ना भी आए तो क्या, उसके लोग आएंगे। उन्हीं लोगों ने तो हमारा साक्षरता केंद्र बंद करवा दिया। हम फिर साक्षरता केंद्र बगान में शुरू कर रहे हैं, तुम लोग आओगे ना? हाँ साहब। या मुरारे परदेसवा में ननदो चिट्ठिया लिखाई दो। सिंह जी, वो मास्टर ने तो फिर से आ गई। हाँ। फिर से स्कूल चालू होगा तो आपका ही धंधा कैसे चलेगा? बड़े भाई, ये बोतल जो एक बार पकड़ता है ना, वो फिर से जिंदगी में छोड़ नहीं सकता। अमृत है अमृत बड़े भाई, अमृत। अरे जिंदगी भर दारू नहीं पिए फिर अब कैसे समझ गए कि ये अमृत है अमृत? राम 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 राम, अपने धंधे का माल खुद ही पी लूं तो मेरी आमदनी कैसे होगी? क्यों रे छोटू, तू दारू नहीं पी रहा? तुम्हारी मास्टरनी ने नहीं पीने को कहा है? क्या कहते हो सेठ जी, वो मास्टरनी तो नजदीक आने की हिम्मत ही नहीं करती। कहे तोर औरत लक्ष्मी बहुत चटर पटर बोलती है, कुछ आदमी जुटा के फिर से स्कूल चालू किया है। हाँ, तभी तो साला कहूँ मेरे ठेके पे इतने कम आदमी क्यों हैं? ओ, सबने ABCD काका पढ़ना शुरू कर दिया है। क्यों छोटू, तू इतना माल कम क्यों ले रहा है रे? है सेठ जी, Thank you.
पैसा खत्म हो गया है, थोड़ी माल पिलाते। अरे राम राम छोटू, ये धंधा है धंधा, नकद छोड़ धंधा नहीं करता, तू जानता है। हाँ तुझसे मेरी अच्छी बनती है, ये ठीक बात है, लेकिन धंधा धंधा होता है और रिश्ता तथा धंधे को मिलाना ठीक नहीं होता छोटू राम। अरे छोटू राम, तेरे को पैसा का दरकार है तो हम कह लिए है आ? इधर ले पैसा ले। एक दो तीन, ले ले 30 रुपया। ठहर ठहर, और यहाँ यहाँ अपना अंगूठा लगा दे, यहाँ अपना अंगूठा लगा दे। और सुन, सब मिला के हो गया 1,500। हाँ दूध का पैसा हमको समय से दे देना। हाँ दो माल दो हमें। मैं चाहती हूँ तुम में से जो थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी हो वो खुद केंद्र चलाने की जिम्मेदारी ले, और मैं सरकार से जितनी सहायता मिल सकेगी वो तुम्हारे लिए अवश्य करूँगी। दीदी हम लोग खुद ही केंद्र चला सकेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। हाँ हाँ वो तो सही बात है, तब तक मैं तुम लोगों को, खासकर लक्ष्मी तुम्हें सिखाऊंगी किस तरह केंद्र चलाते हैं। समझ गई ना, सिर्फ लिखना पढ़ना जानना ही काफी नहीं है, हमें जानना है हमारे आस पड़ोस की बातें, किस तरह पीने के पानी को शुद्ध रखा जाए, हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखा जाए, बच्चों को बड़े बूढ़ों को किस तरह खतरनाक बीमारियों से बचाया जाए। इसके अलावा और भी कई बातें तो होती ही हैं। पर दीदी ये जो हमारे घर में गरीबी है ये भी बीमारी नहीं है क्या? हाँ जरूर है, लेकिन ये एक सामाजिक बीमारी है और इससे बचने का उपाय तुम्हें ही निकालना होगा। पहले इस बीमारी का कारण ढूंढना होगा, गरीबी के कई कारण होते हैं, हर एक जगह की अलग वजह है। दीदी हमारे यहाँ की गरीबी का कारण मैं जानती हूँ, और आप अगर भरोसा दे तो इसका में हम जरूर सफल होंगे। इसमें सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने घरों से ही ये काम शुरू करना होगा। हम सब ऐसे ही करेंगे दीदी, हम लोग अपने घर से ही शुरू करेंगे। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि मैं नए मैनेजर की हैसियत से इस चाय बागान में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन से शांति से एक साथ काम करें। आप लोगों की यदि कोई शिकायत हो तो सीधे मुझे आके बताएं। इसके अलावा मैं आपको एक और सूचना देता हूं कि यहां पर मैंने एक साक्षरता केंद्र चालू किया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग फुर्सत के समय वहां आकर लिखाई पढ़ाई करें। मनीजर साहब हमारे एक शिकायत है। क्या शिकायत है तुम्हारी? यही कि हमारे मर्द दारू पीकर हमको पीटते हैं और फिर सारा पैसा दारू में फूंक देते हैं। ये तो भाई तुम्हारा निजी मामला है, इस समस्या का हल तुम्हें खुद करना होगा। तो फिर मैनेजर साहब शिव प्रसाद की देसी दारू की दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। दारू की दुकान बंद करनी होगी? साहब पागल हो गए हैं क्या? छोटू राम बात है रे, गुरु मास्टर निजी बहुत दिन से दिखाई नहीं दी। वो मास्टरनी तो चली गई है, अब स्कूल चला रही है लक्ष्मी। हाँ और औरत लक्ष्मी स्कूल का मास्टरनी हो गई है। ए छोटू तेरे उस नए मैनेजर का इरादा क्या है? हैं? देखना तेरी बीवी उस मैनेजर के संग कहीं भाग ना जाए। माँ बाबा कहाँ हैं? आ जाएंगे। बाबा ने कहा था मुझे मेला दिखाने ले जाएंगे। तू तो बीमार है, तू ठीक हो जा, मैं तुझे ले जाऊंगी। नहीं बाबा ले जाएंगे।
अच्छा चल ले सो जा। लक्ष्मी 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 क्या हुआ? कुछ रुपए दे। क्यों? तेरे तनख्वाह के रुपए कहाँ गए? अरे वो तो सब मदन लाल को देने पड़े, सुध देना हुआ ना। तुझे शर्म नहीं आती रुपए मांगते? घर में बच्चा बीमार है और तू चला दारू पीने। आज नहीं गया तो सुध का पैसा वापस न दिया तो बड़ी मुसीबत होगी। आज हम सब मिलके सुध का पैसा देंगे। आज कोई नहीं जाएगा वहाँ, आज हम सब मर्दों को रोक रखेंगे। सच्ची हम अगर नहीं गए तो मदन लाल यहाँ आ जाएगा। आने दे उसे, पहले देखे क्या करता है वो। उसे नाराज करने से वो फिर उधार नहीं देगा हमें। ना दे, हमें ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि मदन लाल के सामने हमको हाथ ना फैलाना पड़े। ये नहीं हो सकता, हम गरीब लोग हैं, उधार तो हमें लेना ही पड़ेगा। अक्सर बीमारियां लगी रहती हैं, जेब में पैसा नहीं है, उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। हम जैसा कहते हैं वैसा करने से जरूर छुटकारा मिलेगा। लक्ष्मी मुंह से अब एक भी बात निकाला तो एक छापड़ मारूंगा। हाथ लगा के तो देख एक बार। अरे बेईमान का औलाद, रुपया लिया है, दारू पिया है, अब रुपया भी नहीं देगा? अरे बेईमान का औलाद, रुपया देने के डर से औरत का आंचल में छुप गया है। यहाँ गाली वाली नहीं, तमीज से बात करो, बोलो क्या कहना है। बोलना कह रहे रुपया दिया है, रुपया वापस चाहिए। हमारा सूद का पैसा दो, हम वापस चला जाएगा। ठीक है ले जाओ अपने सूद का पैसा। और सुनो, अब से हम बीविया तुम्हारा पैसा वापस करेंगी। ठीक हाँ, हम औरतें सब पैसा चुका देंगे। क्यों रे, लिखे ना। हाँ, हम ही देंगे। चलो बैठो, देखे तुम्हारा सूद का पैसा कितना हुआ। उठो उठो, तुम सब उठो उठो। डेढ़ हजार और 80 रुपया। हाँ, कुल मिला के हुआ 1580 रुपया। तो फिर सूद कितना हुआ? 200 रुपया। 200? ये लो सूद के 200 रुपए और ये रहे असल के 300। बा, 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 बहुत अच्छा लक्ष्मी। ऐसा होने से तो हमारा धंधा बहुत बहुत अच्छा चलेगा। तो समझ ले लक्ष्मी, हमारा असल रुपया तो कोई देना नहीं चाहता है और सूद का पैसा भी हजम कर लेता है। ए छट्टू छट्टू, इधर आके अंगूठा लगा, चल अंगूठा लगा। अरे रुको रुको, ये क्या मदन बाबू, तुमने कहा 1580 और यहाँ लिखा है 5000। मैंने सूद दिया 200, तुमने लिखा 50, इसका मतलब क्या है? हमको लगता है खाता लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। देखे एक बार खाता देखे। रामू दुलाल कन्हे गोविंद, तुमने कितने रुपए दिए बोलो तो। 200। ये क्या, यहाँ तो तुमने जितने रुपए दिए हैं सब हिसाब गड़बड़ कर रखा है, उधार की रकम भी बढ़ा के लिखी है। बेईमान, हम लोग को चोरी से ठग रहा है, बदमाश कहके मिलाता है ऊपर से चोरी। हम लोग को अरे रुको सब रुको रुको, अरे दीदी आ रही है। अरे लक्ष्मी, अरे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ दीदी, हमने आज अपनी बीमारी का हल ढूंढ निकाला। अरे यहाँ क्या हो रहा है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैनेजर साहब, वो मदन बाबू इतने दिनों से उधार के नाम पर हम लोग को ठग रहा था और वो उसने हमारे मर्दों को दारू पीने की लत लगा दी थी साहब, आज रंगे हाथों पकड़े गए। अरे तुम दोनों यहाँ हो तो। ये जो कह रही है वो सब सच है?
सब सब सच है, सच है, सच है, सच है। क्या हुजूर, आप हमारे माई बाप है, हमको माफ करिए हुजूर, माफ करिए। उठ हुजूर, उठ हुजूर, उठ हुजूर, एक बात है, बात ये हुजूर कि अगर हमारा पैसा हमको नहीं मिला तो हम एकदम बर्बाद हो जाऊंगा हुजूर। ठीक है ठीक है, तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले हिसाब किताब करना होगा कि तुम्हें कितना मिलना है, और वो हिसाब करेगी ये लक्ष्मी। लक्ष्मी, अब तू हमको बचा नहीं तो हम एकदम बर्बाद हो जाएंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं खुद खड़ा होकर तुम्हारा सारा उधार चुकता कर दूंगा, पर अब से तुम लोगों को अपनी भलाई खुद सोचनी होगी। और मदनलाल, तुम भागो यहाँ से, सही हिसाब लेकर आना और अपना सारा पैसा मुझसे ले लेना। लक्ष्मी, आज तुम लोग वास्तव में साक्षर हो गए हो। जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है, सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन।